पपौरा जी, जहाँ रामचंद्र जी की हनुमान जी से भेंट हुई थी। भारत के हृदय के बीचों बीच बुंदेलखंड स्थित है। बुंदेलखंड अपनी धार्मिकता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ अनेकों आदर्शों के स्तंभ स्वरूप तीर्थ स्थल विद्यमान है। उन्हीं में से एक जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पपौरा जी भी है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय टीकमगढ़ जिले से पूर्व की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सघन वृक्षावली के बीचों बीच एक विस्तृत परकोटे के अंदर विविध शैलियों के अनेक कलाकृति के 108 मंदिर समतल भूमि पर स्थित हैं, जो अपनी गगनचुंबी शिखरों से आकाश को चूम लेने की होड़ में लगे हैं। पपौरा जी की यह विशेषता है कि यहाँ प्राचीन एवं अर्वाचीन काल में जितने प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, वे सब नमूने यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पपौरा जी पहुंचने के लिए झांसी मुंबई रेल मार्ग पर स्थित ललितपुर स्टेशन पर उतरना पड़ता है। फिर ललितपुर से बसों द्वारा पपौरा जी सुगमता से जाया जा सकता है। ललितपुर स्टेशन से टीकमगढ़ आते समय लगभग 5-6 किलोमीटर दूर से ही पपौरा जी मंदिरों के ऊंचे शिखर दिखने लगते हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों की कतारों के बीच इन मंदिरों के शिखर ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो किसी देश की विजय पताकाएं फहरा रही हों। लगता है जैसे हम किसी राजधानी के समीप पहुंच रहे हैं। सच पूछा जाए तो यह राजधानी ही तो है। उन महान आत्माओं की जिन्होंने शरीर पर नहीं हृदय पर शासन किया है, जिन्होंने भारत की पुण्य भूमि पर अपने आदर्शों की रेखाएं जन जन के हृदय में अंकित की है। टीकमगढ़ से पपौरा जी जाते समय सबसे पहले रास्ते में एक छोटे से सरोवर के दर्शन होते हैं। सरोवर के जल में सुबह की सुनहली किरणों के साथ चमकते हुए मंदिरों के स्वर्ण कलश ध्वजाएं ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आगंतुक को बाहें पसारे बुला रही। एक बृहद प्रवेश द्वार के ऊपर मनोहारी रथाकार मंदिर, जिसकी ऊंची छत लगभग 70 फीट ऊंची है, देखकर आश्चर्य सा होता है। ऐसा मंदिर जिसकी छत पर चढ़कर ऐसा महसूस होता है मानो रथ में बैठकर सुंदर वन स्थली की ओर जा रहे। पपौरा जी के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले 4 मान स्तंभ बीचों बीच विद्यालय पदासीन आश्रम के दर्शन होंगे। चिरकाल से सजग प्रहरी की तरह खड़े मंदिर ध्यानस्थ योगी की भांति मौन भाषा में प्राचीन इतिहास का अवलोकन करते प्रतीत होंगे। इन मंदिरों ने सैकड़ों बरसातें, ठंड, अनेक उतार चढ़ाव, राज विप्लव आदि देखे, लेकिन मौन शांति से अडिग खड़े हैं। आज के हजारों वर्ष पूर्व कुछ आताताइयों द्वारा की गई अनेक खंडित मूर्तियां तथा उस काल में बनाए गए मूर्ति संरक्षण गृह आज जैसे अतीत की कहानी सुना रहे हैं। ये खंडित मूर्तियां आज भी मानव की उस घृणित कृति पर अट्टहास करती हुई कह रही हैं कि हे मूर्ख मानव, कला खंडित होकर भी जीवित रहेगी तथा अमृतत्व का गीत गाएगी और मिटकर भी मिटाने वाले एवं बनाने वाले दोनों का नाम उजागर करेगी। धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर पपौरा जी को दुत्ती नाम से पंपापुर भी कहा जाता है। पंपापुर के पास एक विशाल जंगल है जो रमन्ना नाम से प्रसिद्ध है। रमन्ना का शुद्ध रूप रामायण है। इसका अर्थ होता है कि रामचंद्र जी का जंगल। वाल्मीकि रामायण में पंपापुरी के सरोवर पर रामचंद्र जी की हनुमान जी से भेंट का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा जी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर रमन्ना के मध्य में पंपा नाम का तालाब रहा होगा और उसी पंपा तालाब के आसपास रामचंद्र जी ने प्रवास काल के समय वनों में निवास किया होगा, इसी कारण वह रमन्ना कहलाते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसी रमन्ना के बीच कहीं रामचंद्र जी और हनुमान जी की भेंट का प्राचीन स्मारक रहा होगा, जहाँ बिरही श्री राम ने अपने असहाय संकट के समय सीता मिलन के संबंध में हनुमान जी से मंत्रणा की होगी। पपौरा जी के अतिशय होने के बारे में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। पपौरा जी में एक पुरानी बावड़ी है, कुछ समय पहले ही उसकी मरम्मत करा दी गई है। कहा जाता है कि पहले यह बावड़ी हमेशा जल से भरी पूरी रहती थी। जब भी किसी श्रद्धालु को भोजन बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी तो वह बर्तनों की लिखित सूची बावड़ी में डाल देते थे और तुरंत ही सारे बर्तन पानी से ऊपर आ जाते थे।
ये बर्तन सुंदर चमकीले होते थे। एक दिन कोई लालची श्रद्धालु बर्तनों की सुंदरता से प्रेरित होकर बर्तन लेकर चलता बना। तभी से इस बावड़ी ने अपना दान देना बंद कर दिया। एक किंवदंती और है। संबत 1872 से पहले वर्तमान मंदिर क्रम संख्या के अनुसार पहले मंदिर की नींव भरी जा रही थी। एक बूढ़ी माँ की ओर से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को प्रीति भोज देना शेष था। तभी कुएं का पानी, जो कि स्थानीय विद्यालय के समीप है, समाप्त हो गया। पानी के अभाव में लोगों के बीच त्राही त्राही मच गई। लोग बूढ़ी माँ को बुरा भला कहने लगे। बूढ़ी माँ रस्सों से बंधी चौकी पर बैठकर भगवान को याद करती हुई कुएं में उतरी और नीचे पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर क्या था, पानी का स्रोत नीचे से फूट पड़ा। देखते ही देखते पानी स्वतः ही कुएं से बाहर आने लगा। तभी से इस कुएं का नाम पराखन रख दिया गया, जिसका अर्थ है कि लाज रखने वाला। आज भी लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं। पपौरा जी का सबसे प्राचीन स्थल, प्राचीन समुच्चय, जो कि सभा मंडप के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बीच में एक मंदिर है और उसके चारों ओर पुराने ढंग के मठ बने हैं, जो संवत्सरण की बाहर की सभाओं का द्योतक है। ऐसा लगता है कि पहले यह तपोभूमि रहा होगा और पहले यहाँ साधु निवास करते होंगे। इस प्राचीन समुच्चय के स्थान में दो भोयरे हैं, जिसमें एक भोयरा बहुत विशाल है। इसमें काफ़ी ऊंची छत वाले तीन कमरे हैं। एक कमरा तो 22 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है। एक बड़े मंदिर के चारों ओर प्रत्येक दिशा में 6-6 मंदिर। इस तरह एक स्थान पर 24 मंदिरों की यह पंक्तिशय रचना बहुत सुंदर मालूम पड़ती है। सब मंदिरों को एक साथ और प्रत्येक की पृथक पृथक परिक्रमा करने की व्यवस्था है। ऐसी चौबीसी भारत में संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं है। श्री चंद्रप्रभु मंदिर की रचना और शिल्प सम्राट चंद्रगुप्त कालीन प्रतीत होती है। पत्थर पर खुदाई इतनी स्पष्ट है मानो कलाकार ने पत्थर को मोम बनाकर सांचे में ढाला। 75वां मंदिर रथाकार बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे एक सुंदर रथ में घोड़े जुते बड़ी तेजी से भागे जा रहे हों। बाहुबली मंदिर, जिसका कि निर्माण कुछ समय पहले हुआ है, दर्शनीय है। 225 फीट के गोल घेरे में 24 खम्भों पर गोल मंदिर है। इसमें स्थित 15 फीट उत्तुंग श्री बाहुबली की सौंदर्य कलापूर्ण मूर्ति श्रवण बेल गोला स्थित बाहुबली की स्मृति दिलाती है। मूर्ति के चेहरे पर झलकता हुआ सौंदर्य गंभीर, स्मित, प्रशांत जैसी प्रतीत होती है। जैसे आत्मिक सुखानुभव में रत हो और कह रही हो, हे भव्य, एक बार तुम भी आत्मा के सुख का स्वाद लो, कितनी शांति मिलती है। पपौरा जी में 4 बागीचे हैं, जिनमें सिंह जी का बगीचा, बदैया जी का बगीचा प्रमुख है। इन बगीचों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, जो कि यात्रियों की थकान को मिटाते हैं। पपौरा जी में प्रतिवर्ष कार्तिक सुदी 13 से 15 तक बड़े समारोह के साथ वार्षिक मेला लगता है, जिसमें संस्थाओं के अधिवेशन, रथोत्सव, फूलमाला आदि कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से होते हैं। मेले में देश भर के श्रद्धालु उत्साह से भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु पपौरा जी में कई धर्मशालाएं, संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं सहित विश्राम गृह तथा भोजनालय उपलब्ध हैं। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।